लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर पार्टी चुनाव रैली करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब मायावती करीब 100 सभाओं को संबोधित करेंगी, तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार सबसे पहले मायावती किस राज्य में सभाओं को संबोधित करेंगी। बता दें, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती 2 अप्रैल से देश में चुनावी शंखनाद करेंगी। बता दें कि 17 मई तक लगातार कहीं न कहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। सूबे में 7 अप्रैल को मायावती और SP प्रमुख अखिलेश यादव देववन से संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। BSP ने 17वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के साथ ही लगभग हर राज्य में प्रत्याशी खड़े किए हैं। हालांकि अब की बार पार्टी SP और रालोद से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरी है। बता दें कि पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए BSP सुप्रीमो मायावती 45 दिनों में करीब 100 सभाएं करेंगी। मायावती औसतन 2 सभाएं रोज करेंगी। बता दें कि मायावती की पहली चुनावी जनसभा 2 अप्रैल को उड़ीसा में होगी, 3-4 अप्रैल को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 अप्रैल को नागपुर में सभाएं रखी गई हैं, 10 अप्रैल को BSP प्रमुख मैसूर चेन्नई में, वहीं दूसरी तरफ 11 अप्रैल को केरल में और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मायावती छत्तीसगढ़ की जांजगीर संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। खास बात यह है कि BSP के संस्थापक काशीराम ने 1984 में इस क्षेत्र से ही पहला चुनाव लड़ा था। तब यह क्षेत्र मध्य प्रदेश में था। 17 अप्रैल को BSP सुप्रीमो की गुजरात के अहमदाबाद में चुनावी जनसभा होगी। वहीं दूसरे राज्यों में की सभाओं के बीच नवरात्र के दौरान 7 अप्रैल को मायावती और अखिलेश यादव देववन में संयुक्त रैली से सूबे में चुनावी शंखनाद करेंगे। बता दें कि संयुक्त रैली में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। गठबंधन के मद्देनजर मायावती SP के कोटे वाली सीटों पर अखिलेश के साथ संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मायावती BSP के कोटे वाली सभी 38 सीटों पर भी सभाएं करेंगी। चुनावी सभाएं मतदान के अंतिम चरण से पहले 17 मई तक लगातार जारी रहेंगी। ज्यादातर चुनावी दौरे में मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद, वहीं चुनावी रणनीति बनाने के तहत रालोद नेता जयंत चौधरी मायावती आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।